भव्य प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाली दिव्या कनेजा जी, ये बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर भी हैं और हमारी स्टूडेंट भी रही हैं, डायरेक्टर हैं री लाइफ जो प्रोग्राम आज हो रहा है यहाँ पर। दूसरे डायरेक्टर अभी मैं सुन रहा था डॉक्टर दिनेश जी को, बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पर बोला था। और एक डॉक्टर हैं सुनील त्यागी जी, इनको तो मैं इसलिए जानता हूँ कि इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया था, इसलिए बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इनको तो मैं कहता हूँ। इनके बड़े भाई हैं दुष्यंत जी, यहाँ पर सभी मेरे सामने बैठे हुए बुद्धिमान डॉक्टर और इस प्रोग्राम से जुड़े हुए सभी लोग, इतना कहना चाहूंगा इस प्रोग्राम के बारे में जितना मैंने सुना, आज का जमाना पूरा नेटवर्किंग का है, ये सच है। आज से 10 साल पहले हमने इसकी प्रेडिक्शन की थी कि एक समय ऐसा आएगा सब काम नेट से होगा, और इसकी शुरुआत मुझे बॉम्बे से मिली। मैं बॉम्बे में भी हमारा ऑफिस है, तो वहां पर एक कस्टमर कुंडली दिखाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि 2 किलो आलू भेज दे जरा घर पर। मैंने कहा 2 किलो आलू आपके घर पे भेज देगा दुकानदार? बोले जी बॉम्बे में चालू हो गया है और देखना पूरे इंडिया में हो जाएगा। अब देखिए फ्लिपकार्ट और अमेजोन को घर में आप अगर 10 रुपए की चीज मंगाते हैं तो भेज देते। ये जमाना आजकल ऐसा ही है नेटवर्किंग का। यहां पर 2 चीज देखने को मिलेंगी, डॉक्टर सुनील त्यागी, इनको भी ज्योतिष की नॉलेज है, दिव्या कनेजा जी को भी ज्योतिष की बहुत अच्छी नॉलेज है। ज्योतिष आयुर्वेद और नेचुरोपैथ इनका चोली दामन का साथ है। पहला जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होता था उसको ज्योतिष की नॉलेज होती थी और दवाई बनाने वाले वैद्य को तो जरूर होती थी, क्योंकि वैद्य को यह पता होता था कौन से नक्षत्र में कौन सी ड्यूटी को लेना है और कितने समय पर उसको घिसना है सिलपट्टी पर और कब वो लेनी है। ये ज्योतिष का आधार था। ज्योतिष से आपको ये पता चल जाता है कि आपके जीवन में इनबिल्ट कौन सी बीमारी है। अभी यहां बैठे लोग, डॉक्टर के पास जाओगे, चेक कराओगे, ब्लड रिपोर्ट आएगी आपकी, उसके बाद आपको बीमारी पता चलेगी कि आपका T3 कम है, आपका विटामिन 12 कम है, फलाना कम है। लेकिन ज्योतिष में ये देख करके आप बता सकते हो कि आपको आज से 6 महीने बाद हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, आपको ब्लड प्रेशर बन चुका है और आपको शुगर भी बन चुकी है। अब आप इन डॉक्टरों से संपर्क कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं कि क्या मेरी कुंडली में ऐसे योग हैं कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, तो पता चला कोलेस्ट्रॉल है तो हार्ट की प्रॉब्लम आएगी और उसका अभी से अगर आप ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपको आनंद आएगा, आपके पूरे परिवार को आनंद आएगा। हर घर में बीमारी है, कोई व्यक्ति अछूता नहीं है। बच्चों को पढ़ाई के लिए डिप्रेशन की बीमारी है, उससे ऊपर चले जाओ तो मियां बीवी को कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी उसको डिप्रेशन की बीमारी है, कहीं जॉब की बीमारी है, कहीं घर बैठे कोरोना की वजह से उसकी वजह से बीमारी है। तो ये जो काम शुरू किया है आज तीनों डायरेक्टर्स ने, ये बहुत बधाई के पात्र, क्योंकि जड़ से बीमारी आयुर्वेद ही खत्म करता है। एलोपैथ में आप उसको दबा सकते हैं, खत्म करने की कोशिश नहीं है उसके अंदर, क्योंकि ये जब जड़ से खत्म बीमारी कोई होगी, अभी मैं सुन रहा था कि शुगर की बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है, ये बीमारी खत्म हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में एक बहुत ही हमारा एंशिएंट विज्ञान है, इसलिए मैं कहता हूं कि ज्योतिष और आयुर्वेद ये दोनों का चोली दामन का साथ होता है। आपको पता होगा जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो वहां सुसैन वैद्य ने कहा कि ये अगर बूटी आ जाए और उस पहाड़ से आ जाए और सूर्योदय से पहले अगर दे दी जाए तो ये जिंदा हो जाए। तो यहां रात के 12 बजे, जैसे कल शरद पूर्णिमा थी, शरद पूर्णिमा के टाइम पर ऐसी ऐसी बूटियां आती हैं जो चंद्रमा अमृत देता है, और वो अमृत अगर आप सबने खीर बनाई होगी, खीर को पूर्णिमा में रखा होगा, अमृत आया होगा उसके अंदर, और हर पूर्णिमा को अगर आप खीर बना करके अगर छत पर रख देते हैं तो हर पूर्णिमा को चंद्रमा अमृत फेंकता है और सारी जितनी भी जड़ी बूटियां होती हैं सबके ऊपर अमृत फेंकता है।
और फिर वैद्य उसको बनाता है, पूर्णिमा के दिन तोड़ता है, तो वो दवाइयां हमारे लिए एक तरह से जड़ी बूटी जो होती हैं वो संजीवनी बन जाती, उसका आनंद आता है। इसलिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, आप इससे जुड़िए, जुड़कर इसका लाभ उठाइए और अपने लोगों को भी जोड़िए। अब बात ज्योतिषी की है तो एक बात सूत्र ज्योतिष का बताऊंगा कि ज्योतिष विज्ञान क्यों है। कई लोग मानते नहीं है इसको। ज्योतिष दो तरह का विज्ञान है, एक है ये भौतिक विज्ञान की तरह, मैथमेटिक की तरह, और एक है पराविज्ञान, यानी जो दिखाई नहीं देता, विजिबल नहीं है। जैसे ये एक मोबाइल सेट है, ये दिख रहा है सेट है, कहां जुड़ा हुआ है आपको नहीं पता, लेकिन जुड़ा हुआ है, मेरी आंखें देख नहीं सकती इसको, लेकिन अभी थोड़ी देर इसमें घंटी भी बजेगी और बातचीत भी शुरू हो जाएगी। ऐसे हमारा ब्रेन 9 ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ है, ये एक टावर से जुड़ा हुआ है, एक टावर से जुड़ के सारे काम करता है। ऐसे हमारा दिमाग 9 टावरों से जुड़ा हुआ है, शनि से, राहु से, सूर्य से, मंगल से, केतु से। जब इसकी एक टावर डिस्टर्ब होती है तो ये बेचारा डिप्रेशन में आता है, और हमें ये पता चल जाता है कि सिग्नल वीक हो गए, नेटवर्क कमजोर हो जाएगा और इंटरनेट काम नहीं करेगा। ये सेम कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट इज टेकन बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन में 9 सिग्नल्स हैं, 9 टावर्स हैं, ये तो एक गोड़ा फोन की चल रही है। ऐसे हमारे यहां तो राहु की भी है, शनि की भी है। जैसे जैसे ग्रह घूम रहे होते हैं, घूमते घूमते ये ग्रह जैसे पृथ्वी से कुछ दूर हो जाता है, तो हमारे ब्रेन की टावर दूर होनी शुरू हो जाती है और ब्रेन हैंग होना शुरू होता है, और ब्रेन जैसे ही हैंग होता है उसको ज्योतिषी पकड़ लेता है, तुरंत दिव्या खनेजा पकड़ लेंगी कि तुम्हें डिप्रेशन है। क्या है यू आर अंडर प्रेशर, कि आप अकेला पसंद है आप। YouTube में मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, अंग्रेज लोग मानते नहीं ज्योतिष को, और सबसे ज्यादा यूरोप, अमेरिका, लंदन, कनाडा में देखा जाता है मेरा चैनल, और वहां पर जो व्यूअरशिप थी एस्ट्रोलॉजी के प्रोग्राम में वर्ल्ड में नंबर 1 आई हमारी, उसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला। अब यहां पर बहुत सिंपल कैलकुलेशन है कि गणित हमने कर ली, आप जब पैदा हुए एट द टाइम ऑफ बर्थ व्हाट वाज द प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट इन द यूनिवर्स, वो हमने कैलकुलेट कर ली। हमने कहा ये बच्चा इंजीनियर बनेगा, IIT में जाएगा, IIT के फाइनल ईयर में ड्रॉप कर देगा, क्योंकि फाइनल ईयर में उसके ऊपर टावर जो है, सिग्नल जो है वीक हो गए और बच्चे को डिप्रेशन आ गया। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही बीमारी अगर कोई शरीर के अंदर बनने वाली है तो हम बता देते कि आपको ये क्रॉनिक बीमारी बनने वाली है, आपके ये ग्रह खराब हो गए, उस ग्रह की शांति भी करो और साथ में रिलैक्स के साथ भी जुड़ जाओ, और तो आनंद ही आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे बुलाया, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छी विद्वान हैं, बहुत अच्छी ज्योतिषी हैं। हमारे यहाँ पर इंदौर से आए हुए मेहता जी बड़े विद्वान है ज्योतिष के, आप आइए मेरे उधर, बहुत विद्वान है ये भी आए हुए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।